मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को पाठ 7 हमारे आसपास की वस्तुएं के वीडियो भाग 3 में आप सभी को अर्थव्यवस्थी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, वीडियो भाग 2 में आप सभी को जो है आपके पाठ साथ में जो मैटर दिए गए थे उसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपके जो है अग्रवृत्ति प्रश्न के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आपका जो अग्रवृत्ति प्रश्न पहला है, सजीवों की रचनात्मक इकाई का नाम बताओ। पहला है बच्चों सजीवों की संरचनात्मक या रचनात्मक इकाई का नाम बताओ। बच्चों, जो रचनात्मक है, बच्चों मैं आपको सेल के बारे में पढ़ाया था। सेल जो है अर्थात कोशिका समस्त जीवधारियों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दैट, तो यहाँ पर सजीवों की रचनात्मक इकाई का नाम कोशिका होगा। क्या होगा? सजीवों के सदियों की रचनात्मक इकाई कोशिका है। सजीवों की रचनात्मक इकाई कोशिका बच्चों। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है, स्वकोशी को परिभाषित कीजिए। बच्चों, इसको स्वकोशी, स्वकोशी किसे कहते हैं? स्वकोशी को न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन दी जा रहे टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ठीक बच्चों, उसी में आपका दिया है स्वकोशी, ऑटोट्रॉफ। ठीक, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वकोशी कहते हैं, जैसे हरे पौधे। ठीक बच्चों, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका उत्तर है ऐसे जीव बच्चों, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वकोशी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे। सब पूछिए। आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, निष्क्रियता
निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं? बच्चों में निष्क्रियता में होता है ऐसे जीव जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वह काम न करे, जैसे गर्म प्रदेश में रहने वाले कुछ जीव, ठंड प्रदेश में रहने वाले कुछ जीव की जो निष्क्रियता होती है उसे हम परिभाषा के रूप में यहाँ दर्शा रहे हैं। जो गर्म प्रदेश में रहने वाले जीव को ग्रीष्म निष्क्रियता, ठंड प्रदेश में रहने वाले जीव को शीत निष्क्रियता भी कहते हैं। बच्चों आपका जो निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आपका तीन, निष्क्रियता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है गर्म प्रदेश, रहने वाले जीव तापमान बढ़ने घटने के साथ साथ अपने व्यवहार में व्यवहार को परिवर्तित कर लेते हैं, व्यवहार को परिवर्तन कर लेते हैं अर्थात अक्रिय हो जाते हैं, अर्थात अक्रिय हो जाते हैं जिसे निष्क्रियता कहते हैं, जिसे करते हैं। बच्चों ये आपके निष्क्रियता की परिभाषा है। बच्चों इस निष्क्रियता पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। गर्मी के दिनों में ऊन जो है तापमान बढ़ने के कारण इस निष्क्रियता का जो है पालन करते हैं, ठीक, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि वे रेगिस्तान में आसानी से चल भी सकते हैं और आसानी के साथ उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। इसी तरह आपका सीट निष्क्रियता में साफ है, मतलब साफ स्नेक और चूहे हैं, छिपकली हैं, जो अधिक ठंडी पड़
ठंड पड़ने पर ए बिलो में या होल में चले जाते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो ए तब बाहर निकलते हैं। इसलिए देखते होंगे घरों में जब ठंडी का मौसम आता है तो छिपकली नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब गर्मी आती है तब ए दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में बनने वाली गैस का नाम बताओ। श्वसन प्रक्रिया में बनने वाली गैस का नाम बताओ। बच्चों मैं आप सभी को प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि बच्चों तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा आपका श्वसन क्रिया है। तो बच्चों श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन जीवगत क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा श्वसन प्रक्रिया में बनने वाली गैस का नाम कार्बन डाई ऑक्साइड। बच्चों क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, तो बच्चों आपके जो है अगला उत्तरी प्रश्न समाप्त हुए। बच्चों अब मैं आप सभी को लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। तो लघु उत्तरी प्रश्न संख्या एक है, सजीवों के कुछ गुण बताओ। बच्चों सजीवों के निम्नलिखित गुण होते हैं, पहला सजीव वस्तुएं भोजन लेती हैं, दूसरा सजीव वृद्धि करते हैं, तीसरा सजीव वस्तुएं गत करती हैं, चौथा है बच्चों सजीव वस्तुएं श्वसन करती हैं, पांचवा है सजीव वस्तुएं प्रजनन करते हैं। इन सभी गुणों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बच्चों अब मैं प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो आपका जो है, एक उसकी जीव क्या होते हैं, एक उसकी क्या होते हैं, एक कैसे बढ़ते हैं, एक कैसे बढ़ते हैं। बच्चों अब आपको एक उसकी जीव के बारे में बताएं बच्चों, ठीक, ऐसे जीव जिनके शरीर का जो निर्माण एक ही कोशिका से होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशिया, युगलीना, ये सभी जीव एक कोशिकीय कहलाते हैं। बच्चों अब मैं इसको परिभाषा के रूप में लिख रहा हूँ, कुछ जीव केवल एक कोशिका से, कोशिका
चाप से बने होते हैं। एक कोश की जीव करते हैं, से एक कोश की जीव करते, जैसे बच्चों अब आपका इसी टॉपिक में दिया है ए कैसे बढ़ते हैं। बच्चों कोशिका के विभाजन के द्वारा कोशिका के विभाजन विभाजन के द्वारा बढ़ते हैं। बच्चों आप जान लीजिए कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक ही कोशिका जो है इसके समस्त जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। बच्चों आज फिर आपको लगती प्रश्नों के भी प्रश्न कराएंगे। आपकी जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।